मार महला में फूली छके सर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहाय गेहं स्वजनां सुतान पति। ये नंदन ने हमारा इसने क्षण में ही बुला दिया, हमारी ओर देख भी नहीं रहे हैं, जिनके लिए हमने घर स्वजन संबंधी पुत्र पति सब त्याग दिए। तद्दास्य मद्धोपगता नव प्रिय, इनको तो मथुरा में और मिल जाएंगे, अब हम कहां जाएं। जोर जोर से रोने लगी गोपियां। श्याम बिरे व्याकुल ब्रज बाला, श्याम बिरे ब्रज बाला, नीरहीन जिमे मीन बिहारा, नीरहीन जिमे मीन बिहारा, सुखत अधर बदन मुरझाने, जनु हिम परस कमल कुम्हलाने, कहती परस्पर बचन अधीरा, गड़ गड़ कंठ धरत द्रगनीरा, गड़ गड़ कंठ धरत द्रगनीरा। आपस में बोली, लज्जा करोगी तो हाथ मलती रह जाओगी, आगे बढ़ के कहो कृष्ण हमारे प्राण हैं, इनके बिना हमारा जीवन नहीं है। और गोपियों ने लज्जा का त्याग कर दिया, सबकी सब आगे बढ़ी, किसी ने रथ पकड़ लिया, पहिया पकड़ लिया, घोड़ों की लगाम पकड़ ली, कोई रथ के नीचे लेट गई, कोई मार्ग में लेट गई, श्याम सुंदर रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से चला के ले जा। भगवान ने देखा इनको तो बड़ा विरह हो रहा है, अरे मैं ब्रज का त्याग करके कहीं नहीं जाता, आश्वासन दिया गोपियों मिलेंगे, प्राण प्यारे ने हमारी विनती स्वीकार कर ली, रास्ता छोड़ दिया। जो ही गोपियों ने मार्ग छोड़ा, क्रूर जी को इशारा किया, रथ आगे बढ़ाया, वो चला जा रहा है, रथ कोई पीछे दौड़ रही है, कोई पछाड़ खा के गिर रही है, कोई का पल्ला कहीं जा रहा है, केस मिथुर गए हैं, सारे अंग में ब्रज रज लग चुके। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा, विसृज्य लज्जां रुरुदुस्व सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवे। लज्जा का त्याग कर दिया, एक स्वर से रो रही है, पुकार रही है, हे गोविंद आप तो हमारी इंद्रियों के स्वामी हो, हे दामोदर, इसलिए उखल से बंधे थे कि एक दिन इस बंधन को खोल के चला जाऊं।
गोविंद दामोदर माधवे थी, गोविंद दामोदर माधवे थी, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे थी। हे कृष्ण हे यादव हे सखे थी, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। हे कृष्ण हे यादव हे सखे, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। खड़ी खड़ी देख रही हैं, जब तक रज उड़ती रही ध्वजा दिखाई देती रही, गोपियां खड़ी देख रही। यावदा लक्ष्यते केतुर यावद रेणु रथास्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लिख्यानि वो फल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बिना विरह के संयोग रस पुष्ट नहीं होता। विरह लीला भी नित्य है, संयोग लीला भी नित्य है। अक्रूर जी के मन में बड़ा ही खेद है, ये गोपीजन कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। मैं इनके सर्वस्व श्री कृष्ण को ले आया, रथ चला जा रहा है, यमुना तट पर पहुंचे। अक्रूर जी बोले, यमुना स्नान के लिए पधारो। भगवान बोले, आप ही स्नान करे आओ। जो ही अक्रूर जी यमुना जी में पधारे, डुबकी लगाई, क्या देखा, यमुना में भगवान ये पहले ही आ गए, और जल के ऊपर आए तो क्या देखा, रथ में भी भगवान। दो स्वरूप का दर्शन कराया है। मानव भगवान बता रहे हैं, जो मथुरा जी से आए थे वो मथुरा जा रहे हैं, और जो ब्रज में प्रकट हुए वो तो ब्रज में सदा विराजते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। फिर डुबकी लगाई, क्या दर्शन हुआ, शेष सैया पर भगवान श्रीहरि पौड़े हैं, ब्रज के चिन्मय स्वरूप का दर्शन हुआ है। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुज, ब्रजमंडल कृष्णमय देखा है। बहुत लंबी स्तुति की। जमुना जी से बाहर आए, भगवान रथ पे बैठे हंस रहे हैं। काका जी बड़ी देर लगाई नहावे धोवे में, हम तो ये समझे कि काका जी डूब गए दिखे हैं। अक्रूर जी ने कहा, भगवान तो आपने अद्भुत दर्शन दिए, ग्वाल वालों के साथ आए हैं। बाबा बोले, लाला सवेरे के चले तो कहीं आए हो। भगवान बोले, बाबा आए तो बड़ी देर रह गई, पर काका जी ने नहावे धोवे में बहुत देर लगाई, ऐसे उतरे जमुना जी में, अब बाहर निकले हैं। हम तो यही समझे काका जी डूब गए दिखे। अक्रूर जी बोले, भगवान मेरे घर पधारिए। भगवान ने आज्ञा दी, मामा जी ने बुलाया है, पहले मामा जी से मिलेंगे, पीछे आ गए। कृष्ण बलराम मथुरापुरी की शोभा देखते हुए पधारे।